हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो भाई, अगर आपका कभी चालान कट जाता है रोड पर, अगर आपने कोई नियम तोड़ दिए हैं तो आपका चालान कटना लाजमी है। आपका ऑनलाइन चालान वहां पर कट सकता है या फिर ऑफलाइन भी कट सकता है। अगर आपका ऑनलाइन चालान यानी कि आपको रिसिप्ट दे दी जाती है तो कैसे उसका पेमेंट करना है, आज किस वीडियो में आप यही जानोगे। तो आपको सबसे पहले अपने सर्च बार पर आ जाना। सर्च बार पर आने के बाद आपको टाइप कर लेना है ई चालान परिवहन। तो दूसरे नंबर पर जो इस साइट दिख रही होगी ई चालान परिवहन .gov.in, इस साइट पर आपको चले जाना है। तो इस साइट को यहाँ से ओपन कर लेते हैं। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके सामने सबसे टॉप पर ही ये साइट दिख जाएगी, ई चालान परिवहन .gov.in। तो इस साइट को आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आएगा, जहाँ पर अब आपको ये पूछेगा एंटर यूज़र नेम, एंटर पासवर्ड, कैप्चा कोड फिलअप करने के लिए और सबमिट करने के लिए। तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको करना क्या है, चेक ऑनलाइन सर्विसेज, यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखेगा तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये सारे ऑप्शन खुलकर आ जाएंगे, जिसमें आपको सेलेक्ट करना है चेक चालान स्टेटस। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो उसके बाद अब आपको जो रिसिप्ट मिली होगी ट्रैफिक पुलिस वालों से, तो वो रिसिप्ट का नंबर आपको यहाँ पर फिलअप करना। तो रिसिप्ट आपके पास होनी ज़रूरी है, तभी आप सबसे टॉप पर वो देखोगे, वो चालान नंबर आपको दिख जाएगा। तो वो चालान नंबर आपको यहाँ पर फिलअप कर लेना है, और उसको फिलअप करने के बाद आपके सामने जो कैप्चा कोड आपको दिख रहा होगा उसको यहाँ पर फिलअप कर लीजिए, और उसके बाद गेट डिटेल्स के इस ऑप्शन को क्लिक कर लीजिए। उसके बाद आपकी जो डिटेल्स होगी, चालान का जितना भी अमाउंट होगा वो आपको पे कर लेना है पे क्लिक पर जाकर। तो अगर आपके पास जो रिसिप्ट है वो खो गई है तो आप व्हीकल नंबर के थ्रू भी अपना चालान स्टेटस देख सकते हो। तो व्हीकल नंबर के इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद आपकी जो आरसी होगी उसमें आपका व्हीकल नंबर होगा, चेसिस नंबर होगा, इंजन नंबर होगा, वो आपको फिलअप कर लेना है। उसके बाद कैप्चा कोड जो आपको वहाँ पर दिखेगा स्क्रीन में, उसको फिलअप करने के बाद गेट डिटेल्स के ऑप्शन से आप अपना चालान चेक कर सकते हो। अगर आरसी भी नहीं है तो अपना जो डीएल ड्राइविंग लाइसेंस जो आपका पास होगा वो नंबर आपको फिलअप कर लेना है, और कैप्चा कोड आपको फिलअप कर लेना है, और गेट डिटेल्स के इस ऑप्शन में जाने के बाद आपको दिख जाएगा कितने अमाउंट आपको पे करना है, चालान आपका कितने का बना है। तो काफ़ी सिंपल स्टेप से चेक ऑनलाइन सर्विसेज में आप जाके चेक कर सकते हो। यहाँ पर आप चेक डेली ट्रैफिक चालान भी चेक कर सकते हो, डेली ट्रैफिक नोटिस यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। अगर आपकी कोई ट्रांजेक्शन फेल हो चुकी है तो आप यहाँ पर से चेक कर सकते हो, और कोई पेंडिंग ट्रांजेक्शन आपकी बची हुई है तो वो भी आप यहाँ पर से चेक कर सकते हो। तो इस वेबसाइट को आपको याद रखना है। अगर आपका कभी भी किसी भी वे में अगर आपने रूल्स तोड़े हैं तो जो चालान आपका बनता है तो इस साइट को हमेशा याद रखिए, ई चालान .parivahan.gov.in। तो ये साइट काफ़ी काम की है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर लीजिए। अपने दोस्तों के साथ भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी हर खबर से अपडेट रहे। और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर जरूर कर लीजिए, और अपना कमेंट भी जरूर टाइप कर लीजिए।